अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैनल, होप यू आर डूइंग वेल। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है ना वो एंटी टेस्ट, जो सेकंड एंटी टेस्ट था उसका जो ना रिजल्ट ना हो चुका था कल, ठीक है। उसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि आप जो ना रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं, इसमें भी जो ना मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट की तरफ से बहुत से सवाल थे, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का बेसिक पर्पस यही था कि वो जो ना उन क्वेश्चन को जो ना क्लियर किया जाए, ठीक है। सबसे पहले जो ना आपने ये पंजाब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी आप गूगल क्रोम पर लिखेगा, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद जो है ना आपके सामने कैसे इंटरफेस ओपन हो चुका होगा, ठीक है। यहाँ से जो ना आप टेस्ट का रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना रोल नंबर एंटर कीजिएगा। ये फॉर एग्जांपल मैं कोई रैंडम सा जो है ना वो रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ, तो ये जो ना मैंने रैंडम सा कोई रोल नंबर एंटर किया है, तो ये इसके जो ना मार्क्स देख सकते हैं। इसके बाद जो ना स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि सर जो है ना वो पासिंग मार्क्स कितने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ना आपके मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ना उन्होंने कहा कि अगर आप अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो आप 2 अगस्त से पहले जो ना यहाँ पे डी चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डी चेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और फी जो ना वो 1000 है, ठीक है, जो डी चेकिंग फी जो है। अब इसमें जो ना स्टूडेंट सवाल पूछ रहे थे कि सर इसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या। देखिए अगर आपने यूनिवर्सिटी की पॉलिसी पढ़ी है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो उसमें लिखा है कि इसमें पासिंग मार्क्स कोई नहीं है, ठीक है। अगर आपके 10 मार्क्स हैं तो फिर भी आप पास हैं, अगर आपके 5 मार्क्स हैं तो तब भी आप पास हैं, अगर आपके 20 मार्क्स हैं तो तब भी जो ना आप पास हैं, ठीक है। इसमें बस जो क्राइटेरिया बेसिकली वो ये है कि जो एग्रीगेट कैलकुलेट होगा ना उसमें आपके मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। 25% जो है ना मार्क्स आपके जो एग्रीगेट कैलकुलेशन होगी उसमें होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके नंबर हैं वो उसके मुताबिक जो है ना वो जो एग्रीगेट जो है ना वो निकलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ना एक स्टूडेंट थे जिन्होंने जो ना सवाल किया था कि IT में कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, टेस्ट में लॉ के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और जो है ना डी फार्मेसी के लिए कितने मार्क्स हैं। देखिए जो स्टूडेंट IT यानी इंजीनियरिंग के किसी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको तो अच्छे खासे मार्क्स चाहिए ना, वो 70 से अबव मार्क्स चाहिए उनको, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी उसका काफ़ी ज़्यादा मेरिट होता है, ठीक है। ऐसे ही जो लॉ के स्टूडेंट हैं, ठीक है, क्योंकि इस दफ़ा जो है पंजाब यूनिवर्सिटी ने लॉ की जो है ना सीट्स भी कम कर दी हैं। लास्ट टाइम अगर हम लॉ की सीट देखें तो वो 400 थी, इस दफ़ा जो है ना वो सिर्फ 100 सीट्स हैं, ठीक है। वो भी सियोर है, पंजाब यूनिवर्सिटी मेन कैंपस ही अफोर्ड कर रहा है, ठीक है। तो उन जो 100 सीट्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें जो ना आपको कम से कम भी जो ना 70 से अबव मार्क्स चाहिए, ठीक है, लॉ में एडमिशन लेने के लिए एंटी टेस्ट में, ठीक है। 70 से अबव मार्क्स चाहिए, ठीक है। ऐसे ही अगर डी फार्मेसी में आप एडमिशन लेना चाहते हो तो डी फार्मेसी आपको पता ही है पंजाब यूनिवर्सिटी की बेस्ट डी फार्मेसी है, डी फार्मेसी का प्रोग्राम बेस्ट है, तो आपको 75 से अबव जो ना मार्क्स चाहिए डी फार्मेसी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। तो आपको इतने मार्क्स जो ना वो चाहिए एडमिशन लेने के लिए जो है ना यूनिवर्सिटी में, ठीक है। बाकी जो दूसरे डिग्री प्रोग्राम है उसमें जो गुजरांवाला कैंपस और जेलम कैंपस है उनका जो ना मेरिट थोड़ा सा कम होता है, बाकी पंजाब यूनिवर्सिटी का मेरिट जो ना वो ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 7 अगस्त है, ठीक है। 7 अगस्त से पहले जो ना आप इन प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि सर LLB और डी फार्मेसी के एडमिशन अभी ओपन हुए हैं कि नहीं। LLB और डी फार्मेसी के एडमिशन अभी ओपन नहीं हुए, ठीक है। LLB के वाले से कुछ जो ना मसले चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम से जो ना 400 से 100 सीट्स कर दी गई हैं, जिसकी वजह से जो ना वो काफ़ी यूनिवर्सिटी जो ना मतलब चल रहा है, ठीक है। तो वो जैसे ही रिजॉल्व होगा तो तब LLB एडमिशन ओपन होंगे। डी फार्मेसी के वाले से वैसे भी यूनिवर्सिटी जो ना वो लेट एडमिशन ओपन करती है, और इस दफ़ा भी जो ना लेट एडमिशन करेगी। इसके नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, देखें ये आपके मार्क्स हैं, ठीक है, ये कोई भी रैंडम सा स्टूडेंट है जिसके जो ना मैंने मार्क्स रोल नंबर एंटर किया था और मार्क्स आ गए। इसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है अप्लाई के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे नंबर आ चुके हैं, ठीक है, टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है, यहाँ से जो ना आप क्लिक हेयर पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप जो ना एक इससे इंटरफेस में आ चुके होंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, यहाँ पे अपना CNAC एंटर करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे अपना CNAC एंटर करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी आपका जो ना सारा रिकॉर्ड जो ना वो चला गया हुआ है, क्योंकि आपने टेस्ट में अपीयर हुए हो, टेस्ट में अपीयर होने के बाद सारा रिकॉर्ड यूनिवर्सिटी के पास आपका चला गया है, ठीक है। CNAC एंटर करने के बाद आप एंटर पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीड बटन पे जो ना क्लिक कर दोगे, तो ये देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने जो ना प्रोसीड पे क्लिक किया तो मुझे जो ना उन्होंने कहा कि आपकी जो ना एप्लीकेशन मतलब आपका जो CNAC है वो पहले से रजिस्टर है, ठीक है। तो मेरा CNAC जो है ना वो पहले से रजिस्टर है, क्योंकि मैं इनके टेस्ट में अपीयर हो चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना वही CNAC फिर से एंटर करूँगा, ठीक है, और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर दूँगा। तो अभी देखिए जैसे ही मैंने प्रोसीड पर क्लिक किया है, ठीक है, तो प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद जो ना यहाँ पर
मेरी सारी जो फाइल है वो मेरे सामने ओपन हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे जो यू कैन प्रोसीड विद योर रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस, यहाँ पे जो ना आप अपना रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है। यहाँ से जो ना आप डिग्री लेवल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मतलब आप कौन से डिग्री लेवल पे अप्लाई करना चाह रहे हो, तो मैं जो ना ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे कि आप बेसिकली किस डिपार्टमेंट में जो ना अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से जो ना आप अपना डिपार्टमेंट, यहाँ से आप जो ना सारे डिपार्टमेंट जो ना यहाँ से इजीली देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना यहाँ पे आप ऑफर प्रोग्राम, यहाँ से ऑफर प्रोग्राम देख सकते हैं, ठीक है। मॉर्निंग सेल सपोर्टिंग, मॉर्निंग की फ़ी कम होती है, मेरिट ज़्यादा होता है, ठीक है। सेल सपोर्टिंग का जो ना वो फ़ी ज़्यादा होती है और जो ना मेरिट कम होता है। तो मैं यहाँ पे बीएस स्टेट फिफ्थ सेमेस्टर में जो ना यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे जिन स्टूडेंट ने फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन, यहाँ पे मैं बीएस स्टैटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में जो ना यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। जिन स्टूडेंट ने फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन लेना वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चूंकि मैं जो ना एफएस के बाद अप्लाई कर रहा हूँ और तो मैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे जो ना क्लिक करूँगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया है, तो यहाँ पे जो ना मुझे एंटी टेस्ट जो ना रिजल्ट, आपने यहाँ पे बताना कि आपने कौन सा एंटी जो ना रिजल्ट एंटी टेस्ट दिया था, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट ने पीयूई का टेस्ट दिया था वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कॉमर्स का दिया था, ये सारे आपके सामने हैं, ठीक है। तो मैंने जो ना पीयू मेडिकल का टेस्ट दिया था, यहाँ पे उसका रोल नंबर लिखूंगा, ऑब्टेनिंग मार्क्स लिखूंगा, टोटल मार्क्स लिखूंगा, टेस्ट डेट लिखूंगा, टेस्ट कब हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे जो ना चेक दिस बॉक्स और यहाँ पे जो ना क्लिक कर दूँ। अगर आप में से कोई स्टूडेंट जो है ना वो मतलब कोटा बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पीयू टीचर हैं, एम्प्लॉयज़ के बेटे हैं, या डिसेबल हैं, ठीक है, या आर्मी नॉमिनेटेड हैं, यहाँ पे स्पोर्ट बेस भी एक दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि स्पोर्ट बेस कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप स्पोर्ट के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे, ठीक है, किस स्पोर्ट के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, वो भी जो ना यहाँ से आप जो ना यहाँ पे जो ना एंटर करेंगे कि आप किस स्पोर्ट के बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। प्लेयर लेवल, ठीक है, नेशनल इंटरनेशनल प्रोविजन डिस्ट्रिक्ट जिधर से भी हैं आप वो लिखेंगे। तो जो स्टूडेंट जो ना कोटा बेस नहीं अप्लाई कर रहे वो इनको तो ऐसे ही खत्म कर देंगे, ठीक है। मतलब जो स्टूडेंट सिर्फ ओपन मेरिट पे ही अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये सारा अपने रोल नंबर वगैरह एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद चेक हेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने टिक लगा देना है और सबमिट एप्लीकेशन गारंटी चलान, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपको एक चलान फॉर्म इशू होगा, चलान फॉर्म आपने बैंक में सबमिट करवाना है, ठीक है। बैंक में सबमिट करवाने के बाद अगर तो चलान फॉर्म अपलोड का ऑप्शन हुआ, उसको फिर अपलोड करना है चलान फॉर्म को। अपलोड करने के बाद जो ना फाइनल सबमिशन करनी है और आपका जो ना एडमिशन हो जाएगा यूनिवर्सिटी की जो ना जिस भी डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन तब मुकम्मल होगी, ठीक है। अभी सिर्फ आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट का ये मतलब नहीं है कि आपकी जो ना एडमिशन भी वहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो ना सेपरेट अप्लाई करना होता है। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन आपको मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द में इतना एक्टिव में दो मियाँ लिखेगा।